डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू आवर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब इन ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल। बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द ऑल मशीन्स अवेलेबल विद अस ऑन विच वी विल डू द एक्सपेरिमेंट। एंड बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द लैब वेयर वी फाइंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड टू द लोड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ मशीन और स्ट्रक्चर। बेसिकली फर्स्ट वन इज द रॉकवेल हार्डनेस मशीन। ऑन दिस मशीन वी फाइंड द हार्डनेस ऑफ एनी मेटल्स और मेटालिक बॉडी एंड बेसिकली इट इज द मैनुअल मशीन। सिमिलरली दिस सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी डन ऑन द हाइड्रोलिक मशीन एंड ऑन दिस मशीन वी फाइंड द रॉकवेल एज वेल एज ब्रिनल हार्डनेस नंबर। हार्डनेस इज बेसिकली द एबिलिटी टू स्क्रैच द मटेरियल। एवरी मटेरियल लाइक मेटल्स कॉपर हैज डिफरेंट हार्डनेस, एल्यूमिनियम हैज डिफरेंट हार्डनेस, आयरन हैज डिफरेंट हार्डनेस, ईच एंड एवरी मेटल्स, नॉन मेटल्स, इवन प्लास्टिक्स, इवन कंक्रीट हैव डिफरेंट हार्डनेस एंड देयर हार्डनेस टेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। नेक्स्ट मशीन इज द इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। इम्पैक्ट टेस्ट दैट मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इन इंडस्ट्री इन मेटल और इवन मेनी टाइम्स कार, एरोप्लेन, ट्रेन गेट्स क्रैश, सडन लोड अप्लाइड ऑन एनी मटेरियल कम्स अंडर द इम्पैक्ट लोड एंड दिस इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ टू मेथड। वन इज द आइजोड मेथड, अनदर इज द चार्पी टेस्ट मेथड एंड ऑन बोथ कंडीशन वी जस्ट मेक ए ही ग्रुप एंड वी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस हैमर एंड दिस हैमर गिव्स द रीडिंग ऑफ द लोड एंड वी फाइंड द इम्पैक्ट लोड ऑन द मटेरियल। दैट मीन्स द एबिलिटी टू सस्टेन द इम्पैक्ट लोड ऑफ दिस मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्टिंग मशीन। अनदर इज द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एंड दिस टेस्टिंग मशीन बेसिकली इट्स नेम एज इंडिकेट्स द यूनिवर्सल, दैट मीन्स वी कैन डिटरमाइन वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। व्हाट वी डू, एनी मेटल हैव सम इलोंगेशन एबिलिटी, दैट मीन्स इलास्टिसिटी एंड ड्यू टू द इलास्टिसिटी इट कैन बी इलोंगेटेड और इट कैन बी कंप्रेस्ड। व्हाट वी डू, वी जस्ट इलोंगेट इलोंगेशन, दैट मीन्स वी कैन डिटरमाइन द परसेंटेज इलोंगेशन एंड एबिलिटी ऑफ द परसेंटेज इलोंगेशन gives the strain and this strain gives the stress and with the help of this stress and strain we can draw a diagram that can be automatically drawn on this paper with the help of this machine and we can find stress, strain and even the ability, that is elastic ability of the material, yield stress, ultimate stress, tensile stress, compressive stress, such as even bending stress can be determined with the help of this specimen. But in this UTM we always avoid column and strut, that means the specimen have should a specific length only. Next one is the, as I told in universal testing machine we can find the percentage elongation. Percentage elongation gives the ability of the material to elongate and to regain its original shape again. But any material can be failed with the two or three forces, like one is the tensile load, another is the twisting load and third one is the fatigue load. Now this is the twisting load. What happens, any material when twisted, when we apply the torsional moment, then it gets twisted and we find the angle of twist, that means the shear stress and shear strain. And with the help of this machine, we can plot the shear stress and shear strain diagram and we can find the shear modulus, flexible rigidity and ability of the material to get failed within the twisting moment. This is the overall conclusion of our strength of material. Here we can determine the mechanical property of the material by which it can be used in machine, structure or anywhere else. Thank you very much for watching this video.